फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आई आई टी सी चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेरी बेसिक टॉपिक्स यदि आप फायर ऑफिसर हैं या आप सेफ्टी ऑफिसर हैं यू आर यू आर वर्किंग इन द प्लांट यू आर ऑपरेशन मैनेजर यू आर प्लांट मैनेजर यू आर मेंटेनेंस मैनेजर यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू आर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर यू आर ऑपरेटर यू आर मैकेनिकल टेक्नीशियन यू आर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन एनी बॉडी एंड एवरी बॉडी हु इज़ द प्ल्ट मस्ट नो वट इज़ फायर सेफ्टी आज हम लोग फायर सेफ्टी के बहुत बेसिक्स लेवल पर बात करेंगे ताकि आप सभी को फायर सेफ्टी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मेरा इंटेंशन यह है कि आप सभी को फायर सेफ्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम समय में ईजी से ईजी लैंग्वेजें बता सकूँ दोस्तों यह स्लाइड मेरे बारे में है इसके बारे में मैं पढ़ूंगा नहीं यदि आपके पास समय होता है और आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो दिए हुए लिंक पर जा करके आप लिंकड प्रोफाइल देख सकते हैं यह है आईआईटीसी का प्रोफाइल यह इस टाइप का हम सर्विसेज देते हैं इसको भी मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगा आप यदि इसके बारे में जानना चाहें तो यू कैन गो थ्रू लाइन बाय लाइन दीज आर द बेसिक की कॉम्पोटेंसीज वॉट वी प्रोवाइड टू द इंडस्ट्रीज स दोस्तों आज हम मुद्दे की बात करते हैं फायर सेफ्टी इसमें बेसिक्स हम क्या पढ़ेंगे व्हाट इज फायर हजार्ड हीट ट्रांसफर मैकेनिजम्स कितने होते हैं क्या क्या होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में पढ़ेंगे आप सभी लोग यदि आप फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं या सेफ्टी ऑफिसर हैं या सिक्योरिटी ऑफिसर हैं या सिक्योरिटी मैनेजर हैं या प्लांट सेफ्टी मैनेजर हैं या ऑपरेशन मैनेजर हैं इसकी जानकारी आपको होना चाहिए एंड आई होप यू नो दिस दिस इज जस्ट टू रिफ्रेश योर नॉलेज दिस इज जस्ट टू गिव यू बेटर नॉलेज इन इजिएस्ट लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई बेसिक फायर हजार्ड यदि आप प्लांट uh, में हैं तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फायर हजार्ड्स एंड द रीजन्स ऑफ फायर हजार्ड्स एंड फायर रिस्क हाउ टू यू द मेन फायर रिस्क these are the basic things because we are working in the industry and we should know that how you can evaluate whether the risk is high or low and if the risk is high what are the control measures. we will also see the method of fire prevention and fire protection and uh, the chances of spread of the fire in the building. see dekhenge maintenance of existing means of escape and uh, evacuation in the simple uh, workplace log last but not least, Homologue, we will also identify evacuation of workplace in the event of fire. I mean, I am very sure you might have seen this triangle, you might have heard this name. Just to refresh it, there are three basic components required for fire that is, heat, second is oxygen, third is fuel. यदि तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं होता है तो फायर ट्राइंगल नहीं बन पाएगा यदि फायर ट्राइंगल नहीं बन पाएगा तो हम फायर नहीं हो पाएगा तो जब हम फायर एस्टिंग के बारे में बात करते हैं या फायर एस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम इस चैन रिएक्शन को कैसे तोड़ें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम अगले स्लाइड में बात करेंगे बट इस स्लाइड में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप फायर ऑफिसर हैं सेफ्टी ऑफिसर हैं फायर मैनेजर हैं सिक्योरिटी मैनेजर हैं प्लांट मैनेजर हैं मेंटेनेंस मैनेजर हैं तो हमारा इंटेंशन यह होना चाहिए कि इस फायर ट्रायंगल को हम कितना जल्दी से जल्दी तोड़ सकें ताकि हमारा फायर एक्सटिंग हो जाए तो हमारा फर्स्ट इंटेंशन होता है कि हम हीट को कम करें हीट को कैसे कम किया जाएगा हीट को कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे दूसरा इंटेंशन होता है हाउ यू कैन रिड्यूस और रिमूव द फ्यूअल इसके बारे में हम अगले बात बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में हम बोलते हैं स्टारवेशन या ब्लैंकेटिंग इफेक्ट या टू रिमूव द ऑक्सीजन हालांकि यह टेक्निक्स बहुत टफ पड़ता है हार्ड पड़ता है बिकॉज एटमोस्फियर में ऑक्सीजन का लेवल हमेशा होता है दिस इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ लिक्विड फायर इन केस ऑफ गैस फायर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर वी विल सी हाउ टू ब्रेक द केमिकल चैन रिएक्शन टू एस्टिंग गिवस द फायर सक्सेसफुल्ली दोस्तों जैसा मैं बताया आपको हीट हीट इज अ मेन सोर्स और फर्स्ट सोर्स ऑफ फायर अब सवाल यह होता है कि हीट कहां से आता है तो बेसिक सोर्स ऑफ द हीट इज मैकेनिकल हमारे प्लांट में बहुत सारे रोटेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसके फ्रिक्शन से जिसके घर्षण से आ, आ, एनर्जी जनरेट होती है उसको हीट एनर्जी बोलते हैं दिस कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ इग्निशन सेकेंड सोर्स क्या होता है कि हमारे प्लांट में हमारे फैसिलिटीज़ में हमारे इक्विपमेंट में हमारे स्ट्रीट पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस इलेक्ट्रिकल स्विच गियर्स इलेक्ट्रिकल एयर सर्किट ब्रेकर्स एम सब होते हैं जहाँ पर स्पार्क होते हैं जहाँ पर दो कनेक्शन मिलते हैं वहाँ पर स्पार्क होते हैं कभी कभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हीट होते हैं तो दिस कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ इग्निशन लिटिस्टिक मार्क सेकेंड क्या होता है केमिकल केमिकल कैन आल्सो जनरेट हीट यू कैन से दैट रन वे रिएक्शन वी विल नॉट गो थ्रू इन द डिटेल बट फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन अंडरस्टैंड देर इज सोर्स ऑफ इग्निशन सोर्स ऑफ हीट

यहाँ पर खाली आपको बी या जुल याद रखना आ, आ, जरूरी है इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है फ्यूअल फ्यूअल मीन्स जो भी चीज जल सके यदि फायर को सस्टेन करना है जैसा मैंने आपको पहले बताया फायर ट्रायंगल का होना जरूरी है यदि फायर ट्रायंगल नहीं होता है तो फायर नहीं होगा फायर ट्रायंगल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज फ्यूअल फ्यूल तीन टाइप के होते हैं कम्बस्टेबल मटेरियल गैशियस फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल फिर मेटल होता है फिर इलेक्ट्रिकल होता है लेकिन हम इसको इन तीन में मेजर करेंगे कम्बस्टेबल मटेरियल हमारे घर में होता है हमारे कंपनी में होता है हमारे फैक्ट्री में होता है जैसे पेपर हो गया वुड हो गया प्लास्टिक हो गया यह इजली प्लांट में अवेलेबल है तो दैट मीन्स वी हैव टू एंश्योर दैट हाउ यू कैन रिड्यूस द कम्बस्टेबल मटेरियल वेयर देर इज अ सोर्स ऑफ इग्निशन और सोर्स ऑफ हीट सेकेंड गैस गैसीय फ्यूल होता है जैसे कि मिथेन हो गया इथेन हो गया प्रोपेन हो गया हाइड्रोजन हो गया एंड मोस्ट कॉमन गैस इन आवर कुकिंग आई मीन किचन इज एल खाली ये आपको समझाने के लिए है थर्ड हो गया लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल हो गया डीजल हो गया कुकिंग ऑयल हो गया ऑयल हो गया ग्रीस हो गया इस टाइप के जो फ्यूल है लिक्विड फ्यूल है जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल एंड मेटल फायर अलग होता है उसके बारे में यहां पे बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ फ्यूल इसी में इसका समावेश होता है दोस्तों द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट और पार्ट इज ऑक्सीजन बिकॉज इफ देर इज नो ऑक्सीजन देर इज नो फायर यू नो इट वेरी वेल बट जस्ट टू रिफ्रेश फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन 21.8 अवेलेबल होता है जो कि हमेशा अवेलेबल होता है इसीलिए दिस इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट बिकॉज यू कैन नॉट एलिमिनेट दिस कल्प्रिट दिस पार्ट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम योर प्लांट फ्रॉम योर फैसिलिटी फ्रॉम योर कन्फाइंड स्पेस फ्रॉम योर इलेक्ट्रिकल चेंबर दिस इज गोइंग टू री प्रेजेंट ऑल द टाइम एवरी टाइम दैट इज वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल That you are unable to remove this, then you have to remove the heat, you have to remove the fuel. Second thing क्या है? About 20.8% uh, by volume oxygen है, तब इग्निशन हो सकता है। ये हमको ध्यान देना है। 15 to 16% oxygen are needed for uh, flaming the combustion. 8% needed for charring or smoldering the uh, smoldering. This is called as paralysis process. We will not go in the detail about the paralysis process. I have another uh, presentation, another video which covers all the definition of this kind of uh, terminology. If you are interested, if you have time, you can go through it separately. दोस्तों जो नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीडाइजर दे आर आर सम केमिकल्स विच आर नोन एज ऑक्सीडाइजर आर आर प्राइमरी ऑक्सीडाइजर सेकेंडरी इज नोन एज प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इग्निशन और सोर्स ऑफ ऑक्सीजन सॉरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एग्जाम्पल है क्लोरिन हो गया अमोनिया नाइट्रोट हो गया ए हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ ऑक्सीडाइजर हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर देखो यदि हीट ट्रांसफर नहीं होता है तो देर इज नो चांस ऑफ फायर प्रोपेगेशन फायर प्रोपेगे होता है तो फायर क्रिएट होगा लेकिन फायर बड़ा नहीं होगा तो इस चीज को हमको बहुत ध्यान से समझना है बहुत अच्छी तरह समझना है ताकि आपको आपके इंडस्ट्री में जब भी कोई फायर हो अनफॉर्चुनेटली देन यू कैन

इसको हम डिटेल में विथ पिक्टोरियल देखेंगे पिक्चर वाइज देखेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए और आपको हमेशा लंबे पॉइंट तक याद रहे एंड नेक्स्ट पॉइंट होता है डायरेक्ट फ्लैम और इंपिंजमेंट जब भी जेट फायर होता है जब भी फ्यूअल या फ्लैम के पास आप होते हैं उसको बोलते हैं इम्पिजमेंट दोस्तों यदि पिक्चर देखें तो आप इसको खुद समझ पाएंगे देर डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन कन्वेंशन एंड रेडिएशन यदि आप देखें तो मैं आपको पिन पॉइंट दिखा रहा हूं ए आपका है स्टोव ए आपका है जहां से हीट स्टार्ट हो रहा है जब हीट स्टार्ट होगा तो आप ये एरो देख रहे हैं जो एरो के हिसाब से आप जो हीट आपके हाथ पे मिलेगा उसको बोलते हैं रेडिएशन देखिए रेडिएशन का होने का मतलब यह है कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है लेकिन उस इस हीटिंग एलिमेंट से आपके उंगली पर आपके हाथ पर हीट मिलता है इसको बोलते हैं रेडिएशन सेकेंड क्या है यदि आप देखें तो यह फ्लेम इस इस बर्तन को गर्म कर रहा है बर्तन के नीचे हीट आ रही हीट आने से जो हॉट एटम्स है ऊपर जाएंगे और कोल्ड एटम नीचे जाएंगे होट ऊपर जाएगा कोल नीचे आएगा होट ऊपर जाएगा कोल नीचे आएगा इसी तरह से सब भी जितना भी अंदर लिक्विड है जितना भी अंदर पानी है कोई भी लिक्विड uh, मैकेनिज्म है यह इसी तरह से गर्म होता रहेगा कहने का मतलब ये है जो बॉटम प्लेट uh, पे जो गर्म होगा वो ऊपर जाएगा जो ठंडा होगा नीचे आएगा जो ठंडा नीचे आया वो गर्म होगा गर्म होने के बाद ऊपर जाएगा इसी तरह से यह साइकिल चलती रहेगी यह साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक यह बॉइलिंग पॉइंट पर ना आ जाए इसके बाद में स्टीम होकर बाहर निकल जाता है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन हीट कन्वेक्शन अब कंडक्शन क्या होता है जैसे आप देखेंगे यहां से हीट हुआ हीट होने के बाद में पूरा पानी गर्म हुआ पूरा पानी गर्म होने के बाद में आपका जो पॉट है पॉट गर्म हुआ पॉट गर्म होने से यह आपका हैंडल uh, गर्म हुआ हैंडल गर्म होने से आपका हाथ गर्म हुआ इस मैकेनिज्म को बोलते हैं कंडक्शन राइट right? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इस पिक्चर को ध्यान में रख रहिएगा। जब भी आपको कोई भी आदमी किसी भी समय यदि आपके बोस ने आपसे पूछ लिया या तो आपके कलीग ने आपसे पूछ लिया या तो आपके बच्चे ने आपसे पूछ लिया या तो आपको या तो आपको किसी ने आपको इंटरव्यू में पूछ लिया तो इसका सिंपल मेथड है आप इसको बता सकते हैं इसको हीट oh, कन्वेक्शन है, है मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ही यहाँ पे फ्लेम है फ्लेम होने से यहाँ की जो हवा गर्म हुई गर्म होने से हवा ऊपर आई हवा ऊपर आई तो यहाँ का जो ठंडा हवा नीचे जाएगा इस तरह से ठंडा हवा यहाँ पर आया ठंडा हवा यहाँ आने से ठंडा हवा फिर से गर्म हुआ ठंडा हवा गर्म हुआ और गर्म हवा ऊपर गया इस तरह से यह साइकिल चलती रहेगी जब तक इस एटमोस्फेयर में पूरी हवा गर्म ना हो जाती है तो दोस्तों आप फायर uh, डिपार्टमेंट में हैं आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में हैं आप प्लांट मैनेजर हैं आप मेंटेनेंस मैनेजर हैं डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर यू माइट हैव गोन थ्रू दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन पास्ट एंड यू माइट बी नोइंग दैट क्लासिफिकेशन ऑफ फायर बट टू टेल यू देर आर फाइव टाइप्स ऑफ फायर फायर क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई जब भी क्लास ए टाइप का फायर कोई आपसे पूछे तो समझ लीजिए आप सॉलिड मटेरियल पे फायर होता है जैसे कि पेपर ऊट कोल नेचुरल फाइबर प्लास्टिक दूसरा इसको एस्टिंग यूज करने के लिए हमको हमेशा पानी का यूज करना पड़ता है क्योंकि पानी से हीट रिमूव होता है जैसे कि आपने देखा है कि फायर ट्राइंगल में फर्स्ट एलिमेंट हीट है जैसे ही आपके हीट को खत्म कर देंगे आपका फायर ट्राइंगल ब्रेक हो जाएगा फायर ट्राइंगल ब्रेक हो गया तो आपका फायर बंद हो गया सेकेंड पॉइंट है क्लास बी क्लास बी फायर उसको बोलते हैं जब भी फायर आपको फ्लेमेबल लिक्विड पे होता है जैसे कि ऑयल ग्रीस फैट पेंट जब भी लिक्विड ऑयल पे फायर होगा तो उसको हम क्लास बी फायर बोलेंगे इसको एक्स्टिंग करने के लिए हम ब्लैंकेटिंग इफेक्ट देते हैं ब्लैंकेटिंग इफेक्ट बोलते हैं या स्टारवेशन बोलते हैं इसको देने के लिए हमको फॉर्म यूज़ करना पड़ता है जब भी हम किसी लिक्विड फायर पे फॉर्म डालते हैं तो फ्लेम पॉइंट पर ऑक्सीजन का कनेक्शन बंद हो जाता है जैसे ऑक्सीजन बंद हो जाएगा फायर का ट्राइंगल यदि आप करेंगे तो हीट हो गया फ्यूअल हो गया ऑक्सीजन हो गया ए वाला जो भाग है ऑक्सीजन वाला भाग ऑक्सीजन वाला भाग नहीं मिलेगा तो फायर ट्राइंगल नहीं बन पाएगा फायर ट्राइंगल नहीं बन पाया तो फायर बंद हो गया इसके लिए फोम यूज कर सकते हैं डीसीपी यूज कर सकते हैं सी टू यूज कर सकते हैं क्लास सी फायर उसको बोलते हैं जब भी कोई फायर कोई गैसियस या लिक्विड गैसियस पे होता है उसको हम क्लास सी फायर बोलते हैं जैसे मिथेन प्रोपेन एंड मिथेन मैन गैसेस इसको एस्टिंग करने के लिए हमको ऑक्सीजन डिस्प्लेस करना होता है उसको बोलते हैं स्टारवेशन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए या तो आप यू समझे किसी भी गैस पे जब फायर हुआ है तो हम वहां पे Uh, कोई हैवियर हैवियर गैस फेंकते हैं हैवियर गैस सी हो गया डी सी पी देन एयर हो गया जब हैवियर देन एयर होगा तब ऑक्सीजन वहाँ से हट जाएगा जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन हट गया तो स्टारवेशन हो गया स्टारवेशन हो गया तो ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन नहीं है तो फायर ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होगा फायर ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होगा तो फायर नहीं होगा क्लास डी फायर क्लास डी फायर कोई मेटल फायर पे होता है इस मेटल फायर को हम क्लास डी फायर बोलते हैं क्लास डी फायर पे नेवर एवर ट्राई टू यूज वाटर नो वाटर नो वाटर टू क्लास डी फायर क्लास ई फायर अभी अभी कभी कभी लोग क्लास ई फायर नहीं बोलते हैं लेकिन क्लास ई फायर इज बेसिकली ऑन इलेक्ट्रिकल फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन ट्रांसफॉर्मर स्विच गियर स्विचेस केबल उस समय हम डेफिनेटली नो वाटर नो वाटर ऑन क्लास ई फायर ओनली डी और सी लेकिन अभी क्या होता है डी भी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि डी यूज़ करने से वहाँ पर डी सी पाउडर जा कर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे जमा हो जाता है इसके बाद में जब फायर ख़त्म होने के बाद में फायर बंद होने के बाद में उसको साफ़ करने में बहुत तकलीफ़ होता है दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ डी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर आल्सो ट्राई टू एस्टिंग यूज़ द इलेक्ट्रिकल फायर विद द मीन्स ऑफ सी गैस तो दोस्तों इस वीडियो में ऑलरेडी ज़्यादा समय हो गया है तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमने आपसे बताया था आ, फायर कंट्रोल मैकेनिज़्म फायर कंट्रोल मैकेनिज्म करने के लिए हमको फायर ट्रायंगल पर ध्यान देना पड़ेगा सोर्स ऑफ इग्निशन मीन्स हीट कम्बस्टेबल मटेरियल मीन्स फ्यूल ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन हम इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना होता है जब भी हमको फायर कंट्रोल करना होगा तो हमको सोर्स ऑफ इग्निशन मीन्स हीट को प्रिवेंट करना होगा कम्बस्टेबल मटेरियल को प्रिवेंट करना होगा ऑक्सीजन को प्रिवेंट करना होगा देर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर कंट्रोलिंग ऑफ फायर कंट्रोलिंग पोटेंशियल सोर्स ऑफ इग्निशन मीन्स हीट इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली रिड्यूस और रिमूव द हीट दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग द चैन रिएक्शन यू आर मेकिंग ओनली टू साइड ऑफ ट्राइंगल दिस साइड विल नॉट हैपन इफ दिस साइड इज विल नॉट हैप्पन यूर ट्राएंगल विल नॉट कम्प्लीट इफ योर योर ट्राएंगल इज नॉट कम्प्लीट दैट मीन्स योर फायर विल नॉट बी देयर कंट्रोलिंग ऑफ कम्बस्टेबल मटेरियल यहाँ पर जो आपका फ्यूअल है फ्यूअल को ब्रेक करें फ्यूअल को हटाएँ इनके साथ फायर में सेग्रीगेशन करें कंपार्टमेंटेशन से, uh, करें ताकि फ्यूअल नहीं मिलेगा जब फ्यूअल नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन रहेगा हीट रहेगा फ्यूअल नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक अपने आप फायर बंद हो जाएगा It is important to prevent or मिनिमाइज uh, uh, the spread of fire if you are not able to extinguish the fire. फायर दोस्तों इस uh, वीडियो में uh, आज तक uh, पूरा हो गया है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे व्हाट इज अ फायर रिस्क असेसमेंट व्हाट इज द बिल्डिंग रिस्क असेसमेंट व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फायर रिस्क असेसमेंट i can tell you if you are a fire officer, if you are a safety officer, if you are a safety manager, if you are a plant manager, or if you are a student, you want to become a safety officer, you want to become a fire officer, you want to become a plant manager, you must know this. this is very important hot topic for any fire-related information. the a video me dekhenge what is a fire risk assessment and different elements? method of fire prevention and fire protection, prevention of fire spread in the building. मेंटेन अफ अफ एग्जिस्टिंग मीन्स अफ एस्केप इन अ सिंपल वर्क प्लेस इव ए क्वेश्चन मैकेनिज्म इन अ वर्क प्लेस तो दोस्तों आज के लिए आई होप आप इस वीडियो का यूज कर पाएंगे आई होप दिस वीडियो वुड हैव बीन यूजफुल फॉर यू इफ यू हैव एनी कॉमेंट एनी क्वेश्चन प्लीज डो नोट हेजिटेड टू पुट इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट टू नो एनी अदर सब्जेक्ट डेफिनेटली आई मीन सेंड अ मेसेज टू मी और यू कैन ज्वाइन अ WhatsApp group so that you can get continuous in information about our new development. So, I friend, thank you very much for uh, passionately hearing this video. I hope uh, you like this video. If you are interested, you can uh, subscribe the channel so that you can get continuous information on this learning. Thank you very much, guys. Have a nice day.